हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर गजेंद्र राव। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ना किसी टाइप्स के डिजीज़ पर है, ना ही किसी टाइप्स की मेडिसिन पर है। आज हम बात करेंगे अंजीर के बारे में या फिग के बारे में। फ्रेंड्स, वैसे तो ये टॉपिक बहुत ओल्ड हो चुका है, इस पर आपने बहुत टाइप्स की वीडियो भी देखी होंगी यूट्यूब पर, एंड मोस्टली लोगों को पता भी होगा कि अंजीर को किस टाइप से खाना चाहिए, अंजीर की क्या तासीर होती है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं। बट हम बात करेंगे कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ या सेक्सुअल डिसऑर्डर पर कैसे हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, मोस्टली मेल्स में एक ऐसी कंडीशन आती है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे वीक होने लगता है, उनको कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होने लगती है, उनको गैस एसिडिटी टाइप्स की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। धीरे धीरे उनमें देखने को मिलता है कि उनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, जिन लोगों का पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो इस टाइप्स के लोगों में भी सेक्सुअल डिसऑर्डर बहुत सारी क्रिएट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कैसे हेल्प करती है? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो फिग या अंजीर होती है उसमें बहुत सारी मात्रा में फाइबर होता है। तो आप कुछ समय के लिए रेगुलर बेसिस पे अंजीर को यूज करते हैं तो जो आपके इंटेस्टाइन होती है, जो आपकी आंत होती है, उसमें जो स्टूल होता है वो उसको सॉफ्ट करता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन या गैस की प्रॉब्लम डेवलप नहीं होती है। आपको एक्यूट कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन हो या क्रोनिक कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो ये उस तरीके से भी आपका हेल्प करती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करती है, जिससे आप अपनी सेक्सुअल डिसऑर्डर और अपनी पर्सनल लाइफ को भी बेटर कर सकते हैं। सेकेंड मेल्स में देखने को मिलता है, हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। बहुत सारे मेल्स में देखने को मिलता है उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो धीरे धीरे डाउन जाता चला जाता है, उनके स्पर्म काउंट लो होते रहते हैं। तो इसको कुछ समय के लिए रेगुलर बेसिस पे यूज करता है तो मेल्स के स्पर्म काउंट भी इंक्रीज होते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंक्रीज होता चला जाता है, जिससे मेल इनफर्टिलिटी की जैसी जो कंडीशंस होती है उससे भी मेल निजात पा सकता है। तो ये इस टाइप से भी आपकी हेल्प करती है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को बेटर करने के लिए। एंड फ्रेंड्स, थर्ड नंबर पर एक ऐसी कंडीशन आती है कि हम फिक की अंजीर की बात करें तो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। कि आपके बॉडी में किसी भी टाइप्स के इन्फेक्शन या आपका इन्फ्लामेशन, कहाँ पर सूजन या स्वेलिंग आ रखी है या कहाँ पर दर्द आ रखा है, तो उस कंडीशंस में भी आपकी हेल्प करता है। जैसे हम बात करें तो मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर में एक ऐसे कंडीशंस आती है जिसको हम बोलते हैं एपिडिडमो ऑर्काइटिस की कंडीशन। उसमें मेल्स के जो टेस्टिस होते हैं उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है और इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ पे पेन भी बना रहता है, जिससे मेल्स ना तो बेटर परफॉर्मेंस कर पाता है ना ही एक बेटर लाइफ को जी पाता है। तो ये उस कंडीशंस में भी हेल्प करती है, रेगुलर बेसिस पर आप यूज करते हैं तो वो उस कंडीशंस में भी आपको हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, आपने जाना है कि इस टाइप से आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में या सेक्सुअल हेल्थ में आपको ये हेल्प करती है। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें ये फिग और अंजीर का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है बेसिकली। एंड ये सेक्सुअल हेल्थ में ही नहीं, ये नॉर्मली बेसिक जो अपनी लाइफ स्टाइल्स होती है उसको भी बहुत अच्छे से मेंटेन करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है। एंड अंजीर और फिग को आप प्रॉपरली यूज करते हैं तो इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट भी नहीं देखा जाता है, एक नेचुरल ड्राई फ्रूट है तो आप प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।